अरे तुम लोग आ रहे थे तो बताते, तो फोन ही कर देते। इन्होंने तो डिनर का कहा था, हम अचानक यहाँ ले आए। चलो अच्छी बात है, अब मैं डिनर बना लेती हूँ और हम लोगों के साथ ही खाना खा के जाओगे तुम लोग। नहीं, भाभी इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग बिला वजह परेशान होंगे, हम बस चलते हैं अभी। कोई मल्ले नहीं आया वैसे? सब गए हैं क्या? कोई घर पे नहीं? वो दरअसल मसला ये है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो निमी उनका सर दबा रही है। मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। भाभी इसकी जरूरत नहीं है, हम बस घर जाके खा ले। सालार, अरे कह रहे थे तुम सलमान? क्या हाल है? सुना है आजकल मेरे जानने वालों के साथ बड़ी दोस्तियां हो रही हैं तुम्हारी। और हमें अपने घर में देख के इतने शौक क्यों हो गए हो तुम? शौक क्यों होगा मैं यार, आने से पहले कॉल कर देते। अरे कॉल करने की क्या जरूरत थी, फाइल ही तो लेने आया था मैं। सोचा खुद आके ले लूं और अपने अमाउंट का चेक भी। कौन सा चेक? तुमने फिर इसकी गुलामी करनी शुरू कर? अरे नहीं 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 आंटी, गुलामी क्या बात कर रही हैं आप, ये तो पूरा गुलाम हो गया है। हैं? बताया नहीं तुमने? सलमान ये क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूं तुम्हें, सलमान ने सितारे से रिश्ता तोड़ने के लिए मुझसे 50 लाख रुपए और एक बंगला लिया था। अच्छा, 50 लाख और बंगला? मगर तुम तो कह रहे थे कि सलार ने मेरी नौकरी की धमकी दी थी। इसीलिए तुमने सितारा से रिश्ता तोड़ा था? एहतशाम भाई। क्या भाई? हाँ क्या भाई, दिल से मुकर रहा है? सारा ये तुम गलत कर रहे हो। अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, और जो तू साहिबा से अकेले मिल रहा है वो गलत नहीं है? उसने खुद मुझे बुलाया था। अच्छा और तू मुझसे पूछे बगैर कैसे गया उससे मिलने? क्या मतलब है तुम्हारा, मेरी मर्जी में किसी से भी मिलने जाओ, तुम कौन हो? तो मैंने तुझे इससे दूर रहने की कीमत दी थी ना। तू मेरा पपेट था, मेरा पपेट। अरे मेरी बीवी के खिलाफ तू किसी और के इशारों पे कैसे नाच सकता है? बस खबरदार, अब मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, और तुम जो कुछ लिया तुमने इसे अपने दोस्त को वापस करो। ये मेरा दोस्त नहीं है। था तो ना, अब नहीं। कभी भी नहीं था, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ये मेरे पास आता था। जरूरत खत्म तो दोस्ती भी खत्म। मैंने कहा जाओ लेकर आओ।
लेकिन मुझे तो उसने बताया था कि तुम्हें रिश्ता रखने की सूरत में मेरी नौकरी खत्म करवाने की धमकी दी थी। देखो एहतशाम, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हाँ, अगर मेरे नाम की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची है ना, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके नहीं नहीं सलार, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अपना दिल साफ कर लीजिए। कुछ शर्म तो करो, तुम्हारे भाई को घर में घुस के मारा इसने। आपने भाई की हरकत देखी और उसकी वजह से हम सारे खानदान से तो नहीं कट सकते थे ना। और रिश्ते के एतबार से सलार अब इस खानदान का दामाद है। एक मिनट। थैंक यू एहतशाम। आई होप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अच्छे हालात में मिले। इंशाल्लाह। और सलार जल्द से जल्दी आपके पैसे आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। थैंक यू। चलो निकाह पढ़वाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इनके अगले पिछले गुनाह माफ हो गए। और ये बाइज्जत दामाद बन गए। अरे आंटी क्या हो गया आपको, कौन से गुनाहों की बात कर रही हैं आप? अरे वही गुनाह जो हैदराबाद में करते हुए पकड़े गए थे। और बाद में मुकर गए थे और पारसा बनने के ढोंग कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, वो गुनाह हमारे नहीं थे, वो गुनाह आपकी इस निम्मी के थे। इसने अपने नंबर से मेरा नाम सितारे के फोन में सेव करके मुझे मैसेज भेजा था। और अगर यकीन ना आए ना तो आप कासिम से भी पूछ लें। सब जानता है वो, तभी तो वो इससे शादी के लिए राजी हुआ था। अरे पता तो इससे भी है, बताओ ना आपकी अम्मी को। चलो सितारा।
पहले तो ये जेवरात बेचने वाली बात, ऊपर से पैसे विरसा को देंगे, मेरे तो ये बात समझ में नहीं। मगर मेरी समझ में सब आ गए, वो एमन के किसी राज को छुपाने की कीमत है। तुम और विरसा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तुम विरसा पे एतबार ही नहीं कर सकते। तुम आज भी यहाँ खड़े होकर दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या विरसा तुमसे मोहब्बत करती थी। अफसोस। अब ये मत कहना कि तुम्हारे लिए कोई सवाल करने वाला नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, पता है? एक बात का जवाब देंगे? जब आपने कुछ नहीं किया तो फिर एहतशाम भाई से माफी किस तकलीफ की मांगी? पता है, आज से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया कि एक जरूरतमंद की जॉब छीन जाने का डर क्या होता है। उस डर की तकलीफ क्या होती है? पानी देंगे जी, ये सारी चीजें मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हाँ, लेकिन आपने कुछ किया तो नहीं था ना? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सलमान ने मेरा नाम लेके उनके दिल में खौफ तो पैदा किया ना। हाँ, लेकिन सलमान ने तो जॉब से निकालने के लिए कहा था। आपका नाम लेके कत्ल की धमकी तो नहीं दी थी ना, जो वो खौफ ज्यादा हो जाते। यू नो व्हाट सितार, बेरोजगारी का खौफ मौत से बढ़कर होता है। शायद तुम ना समझ पाओ। मैं समझ नहीं पाऊं। मैंने इससे भी ज्यादा बुरे हालात फेस किए हैं। Yeah, you're right, I agree. लेकिन वो जो हालात है ना, तुमने खुद पर फेस किए। मगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी किसी अपने बहुत प्यारे को अपनी वजह से भूखा सोते हुए देखा है? किसी जान से प्यारे शख्स को अपनी जरूरियात के लिए तरसते हुए ताने सुनते हुए देखा? खैर, तुम्हारे लिए तो शायद कोई अपना प्यारा है भी नहीं। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे पता है जब डैड ने फुरकान भाई को कॉल करके कहा था ना कि सलार के साथ काम नहीं करना, आई स्वेर टू यू, मैं बहुत डर गया था, खौफ ज्यादा हो गया था। कि अगर मुझे काम नहीं मिला, मैं अपनी बीवी की बेसिक जरूरतें भी पूरी करने के काबिल नहीं रहूंगा। फिर तो आपको इतनी फजूल खर्चियां भी नहीं करनी चाहिए। What you talking about? कौन सी फजूल खर्चे? लिमिटेड इनकम में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने नहीं आना चाहिए ना फिर तो। अच्छा, तो क्या नया प्रोजेक्ट मिलने पर ट्रीट भी नहीं एंजॉय कर सकते हम दोनों? नया प्रोजेक्ट? Yeah, I got a new project. I mean, छोटा सा है लेकिन मिला है। वाकई? Yep. Congratulations. Thank you. चलो, on that note, कुछ ऑर्डर करो अपने लिए।
जी भाई। साहिबा कहाँ है? ऊपर है। ओ भाई रुको भाई। साहिबा रुको भाई। साहिबा क्या मसला है? क्या है, क्या मसला है? ऐसी की तैसी। भाई क्या कर रहे हैं आप? ये बुलाओ मैडम। क्या ऐसी की तैसी? क्या हो रही है? जाएं बीबी साहिबा को बुलाएं। जाएं। अच्छा अच्छा बुला रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं? बेगम साहिबा वो नीचे मालूम नहीं कौन आया है, तोड़फोड़ करे, बदतमीजी करे, पर आप चलें। कौन आया है? मालूम नहीं कौन आया, आप चलें देखें, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। हटो। याला बीबी, बीबी साहिबा ये देखें ताला भी तोड़ दिया। आप जाएं, आप गेट पे जाएं। ठीक है जी। ये क्या हरकत है? हाँ अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने क्या हरकत की है? मैंने जलील करवा के रख दिया है तुमने मुझे। सालार मेरे घर पे आके सबके सामने मुझ पे हाथ उठाया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। तुमने उसे ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया? वो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सच सच बताना मुझे। कहीं तुम्हारा और सालार का ये प्लान तो नहीं था कि मुझे ह्यूमिलिएट करो तुम लोग? मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट करने का प्लान बनाऊंगी? हाँ मैं जानता कौन है। ह्यूमिलिएशन तो मेरी हुई है। हाँ वो भी सालार ने की है। मैं तो वाकई में उसकी हेल्प करने गई थी, लेकिन सालार को मेरी हेल्प नहीं, दुश्मनी डिजर्व करता है वो, और वो मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? उसने मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन किया ना, मैं उसे उसकी बीवी का कैरेक्टर दिखाऊंगी। इससे क्या होगा? वो कौन सा उसे छोड़कर चला जाएगा? तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सालार लिबरल के नाम पर बेगैरत हो गया। वो सितारा को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें बदला लेना है ना, कुछ ऐसा करो सितारा उसे छोड़कर चली जाए। सितारा? उससे तो बोतल का जिन मिल गया है। उसके हुक्म करने से पहले ही वो दुनिया हाजिर कर देता है। वो क्यों छोड़ेगी? वो इसलिए क्योंकि वो भी सालार की तरह एहसान फरामोश है। अगर सालार उसके लिए जान भी दे देगा ना, वो फिर भी छोटी सी हरकत के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में इतनी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री माय फुट। वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते। क्या मतलब? मतलब ये, वो लोग बात नहीं करते तो नहीं करते। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हें किस बात की बेचैनी हो रही है? सलार ने फाइल लेते हुए मुझसे खुद कहा था, उसने कीमत सितारा को पाने की दी है, दूर करने के लिए नहीं। तुम चाहो तो हम एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। वाओ, अच्छी जिंदगी और वो भी तुम्हारे साथ। सलार मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सारे रंग ला सकती हूँ जो वो तुमसे छीन रही है। आई मीन लुक एट यू, तुम्हें बादशाह से गुलाम बना दिया है। मैं तुम्हें दोबारा बादशाह बना दूंगी। कैसे? इसी तरह मेरे कमरे में घुसकर? सलार मुझे पता नहीं था कि तुम दोपहर तक सो रहे होगे। Exactly. तुम्हें तो मेरा कुछ पता ही नहीं। तुम जैसी selfish लड़कियों को सिर्फ अपनी ख्वाहिशों का पता होता है। ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम इंतहाई बदतमीज लड़की हो साहिबा।
जिसे ये भी नहीं पता कि किसी के बेडरूम में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली उसकी बीवी की गैर मौजूदगी में बिल्कुल भी नहीं। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुमने ज़ियान के साथ मिलकर जो किया ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो अब निकलो यहाँ से, और नेक्स्ट टाइम इस घर में आने से पहले अपनी लिमिट जरूर याद रखना।